हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब काइंड्स पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम वर्ब्स के बारे में बताते हैं, वर्ब क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो जानिए, वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम, देखिए जो वर्ब है वह लैटिन लैंग्वेज के, देखिए लैटिन लैंग्वेज के वर्बम, वर्बम शब्द से बना है। जो वर्ब है वह लैटिन लैंग्वेज के वर्बम शब्द से बना है, ठीक है, वर्बम शब्द से बना है। इसका अर्थ है अ वर्ड, एक शब्द। वर्ब किसी भी वाक्य का वह मुख्य शब्द होता है। वर्ब किसी भी वाक्य का मुख्य शब्द होता है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। यदि वाक्य में एक ही शब्द हो तो वह वर्ब होगा। फिर सुन लीजिए, यदि वाक्य में एक ही शब्द हो तो वह वर्ब होगा, अर्थात एक शब्द का भी सेंटेंस होता है, एक शब्द का भी सेंटेंस होता है, और जो वह शब्द होता है वह सिर्फ और सिर्फ वर्ब होता है। क्लियर? तो अब मैंने आपको इसे एक्सप्लेन करके बताया, चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है। फिर सुन लीजिए, वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है। इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में जानिए, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्संस और थिंग्स। क्लियर? चलिए तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे सुनील इज ए डॉक्टर, सुनील इज ए डॉक्टर, कम हियर, सुनील इज ए डॉक्टर या कम हियर या ही बेड्स, ही बेड्स। देखिए ये आपके जो है सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस में वह प्रयोग किए गए हैं, एक बार बिया है, एक बार बया है, एक बार बिया है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में एक शब्द यदि होता है तो हर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब होता है। इसे मान लीजिए आपने कहा आओ, चलिए कह देते हैं आओ कम, कम हो गया, एक सेंटेंस हो गया, जो एक वर्ड है यह सेंटेंस हो गया, वर्ब होने के नाते यह सेंटेंस हो गया, कम आओ। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी सेंटेंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं काइंड्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब है वह तीन प्रकार का होता है। देखिए वर्ब चार प्रकार का होता है। वर्ब जो है वह चार प्रकार का होता है। वह कौन कौन सा वर्ब है? जैसे ट्रांजिटिव वर्ब,
इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद एक्जिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, एक्जिलरी वर्ब एक्जिलरी वर्ब एक्जिलरी वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका लिंकिंग वर्ब। संयोजक क्रिया, देखिए यह जो वर्ब है वह चार प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, एक्जिलरी वर्ब सहायक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। तो इस तरह से जो वर्ब हैं ये चार प्रकार के होते हैं। अब मैं एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। चलिए सर्वप्रथम देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सकर्मक क्रिया नाम से ही क्लियर हो जाए, सकर्मक यानी वह क्रिया जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट हो, वह क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। पुनः सुन लीजिए बराबर, वह क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बस तो जान लीजिए, वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे द हंटर किल्ड ए लायन, द हंटर किल्ड अ लायन। देखिए यह जो वर्ब है
यह ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे माय ब्रदर टीच मी हिंदी, माय ब्रदर टीच मी हिंदी, देखा आपने इसमें भी टीच है, इसके दो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है जो टीच है वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव आक्रमक क्रिया, आक्रमक क्रिया क्या होती है? यहां पर भी वही बात है, आक्रमक इंट्रांजिटिव। आक्रमक मतलब वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक, वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना अर्थ पूरा कर लेती है उसे उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात आक्रमक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जानिए वह वर्ब, वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट न हो न हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। देखिए वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इंट्रांजिटिव मतलब क्रिया का ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, हरी गोज टू स्कूल, हरी गोज टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, गोज टू स्कूल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द बर्ड्स फ्लू अवे, द बर्ड्स फ्लू अवे। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। चलिए अब मैं आपको इसके बाद एक्जिलरी वर्ब के बारे में बताता हूँ। एक्जिलरी वर्ब क्या होता है आप इसे जानिए कि एक्जिलरी वर्ब क्या होता है। तो इस तरह से है आपने इसे देख लिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स इसके बारे में जान लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट,
यानी ट्रांजिटिव वर्ब में एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, अर्थात दो हो सकता है। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं कि किसको कहाँ प्रयोग करेंगे, किसे क्या कहेंगे। क्लियर? तो जान लीजिए, जैसे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इस ऑब्जेक्ट में एक एनिमेट होता है, एक क्या होता है, एनिमेट होता है, अर्थात सजीव होता है। दूसरा सजीव होता है यानी कोई पर्सन या एनिमल होता है, व्यक्ति या कोई जानवर होता है, एवं इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट इनएनिमेट अर्थात निर्जीव अर्थात नेम ऑफ थिंग्स एंड एक्शन, जैसे बुक, लेटर, एडवाइस, हेल्प आदि को व्यक्त करता है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट रूल यह है, नेक्स्ट बात यह है कि यदि यह है कि हम जनरली ट्रांजिटिव वर्ब के बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, परंतु हम इसके विपरीत भी कर सकते हैं। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखा जाता है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग होता है। क्लियर? तो इसके बारे में जानिए। जैसे मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एनिमेट सजीव किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, जो जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट पहला क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मुख्य रूप से कोई एनिमेट होता है, एनिमेट मतलब सजीव, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई एनिमेट होता है अर्थात कोई सजीव होता है। जो दूसरा है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान से इसे समझिए, यह इनएनिमेट होता है। इन एनिमेट में से निर्जीव, निर्जीव तो डायरेक्ट, जैसा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कोई एनिमेट होता है, कोई सजीव होता है। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई एनिमेट होता है, कोई सजीव होता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई इनएनिमेट अर्थात कोई निर्जीव होता है। सामान्यतया हम देखिए, सामान्यतया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। का प्रयोग करते हैं सामान्यतया, सामान्यतया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे
ही गेव मी अ लेटर, ही गेव मी अ लेटर में जो मी है देखिए इसमें पहले आया हुआ है, और जो मी है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सामान्यतया यदि हम चाहें तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, यह भी कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है, उस स्थिति में हम टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, देखिए बाद में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू फॉर का प्रयोग होता है, हम कर सकते हैं बदल सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू फॉर का प्रयोग होता है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, जैसे माय फादर गेव मी अ गिफ्ट, देखिए गेव मी अ गिफ्ट, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल मिस्टर ताराचंद टीच अस ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल सीता गेव अ बुक टू हिम, सीता गेव अ बुक टू हिम, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देते हैं, He wrote a letter to me. चलिए इस तरह से आपने देखा, ये दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, पहले मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सजीव होता है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इन एनिमेट होता है, कोई निर्जीव होता है, तो आपने इसे भी देख लिया, इसे भी देखिए अस ज्योग्राफी, तो यह आपने देख लिया, हमने आपको बताया कि हम चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू या फॉर लगाना पड़ेगा,
देखिए, सीता गेव अ बुक, अ बुक टू हिम। देखिए के पहले प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है या फॉर का प्रयोग होता है। डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगेगा, ठीक है। एज यू लाइक, जैसे आप कहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो लगा दिया है, या आप ऐसे कहिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं, सेम थिंग। तो इस तरह से जो है आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। नॉर्मली पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं, तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा, आप इसे जरूर अच्छी तरह जानिए। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको एक्जिलरी वर्ब बताता हूँ मैं आपको। एक्जिलरी वर्ब क्या होता है, एक्जिलरी वर्ब क्या कहते हैं, इसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। एक्जिलरी वर्ब को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं इसको, सहायक क्रिया। एक्जिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है, यानी एक्जिलरी वर्ब क्या होता है, यह एक सहायक क्रिया होती है जिसका प्रयोग किसी अन्य वर्ब की फॉर्म बनाने में किया जाता है। फिर सुन लीजिए, यह एक सहायक क्रिया होती है जिसका प्रयोग किसी अन्य वर्ब की फॉर्म बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो एक्जिलरी वर्ब है यह दो प्रकार का होता है, एक्जिलरी वर्ब दो प्रकार का होता है। पहला क्या है एक्जिलरी वर्ब में, पहला क्या है, पहला है प्राइमरी एक्जिलरीज, प्राइमरी एक्जिलरीज। प्राइमरी एक्जिलरीज क्या होता है, प्राइमरी एक्जिलरीज क्या होता है हमें यह जानना है। जैसे प्राइमरी एक्जिलरी जो है मुख्य रूप से, जैसे बी के फॉर्म है, हैव के फॉर्म है या डू के फॉर्म है, प्राइमरी एक्जिलरी में जैसे बी के फॉर्म, बी के फॉर्म क्या है, इज आर एम वाज वर। देखिए ये बी के फॉर्म है, इज आर एम वाज वर। चलिए हैव के फॉर्म में बताऊं, हैव के फॉर्म में हैव, हैज, हैड। तो इस तरह से आपने हैव का फॉर्म, हैव और साफ लिखते हैं इसको, ये हैव के फॉर्म है। चलिए इसके बाद मैं आपको डू का फॉर्म बताता हूँ, डू।
डू में क्या है, डू डस डिड। देखिए ये जो है, जो मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार का होता है। पहला मॉडल इंजरीज, मॉडल इंजरी में देखा आपने बी हैव डू इनके फॉर्म्स हैं, इज आर एन वाज वर, हैव हैज हैड, डू डज डिड, ये इनके फॉर्म्स हैं और ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल मॉडल इंजरीज, मॉडल इंजरीज क्या होता है, मॉडल इंजरीज जैसे कैन कोड मे माइट सेल्स वुड विल वुड लाइक दिस क्या क्या होते हैं, जैसे कैन कोड मे माइट शैल शोड विल ओड। देखिए कैन कोड मे माइट सेल शोड विल ओड, ठीक है, मस्ट डेयर ऑट टू, ought to, must, dare, must, dare, ought to, used to, need, need, ये सभी के सभी मॉडल्स हैं या हम इनको मॉडल कहा जाता है या हम इनको मॉडल्स कहते हैं। वो मॉडल्स कहा जाता है बस। तो इस तरह से आपने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझ लिया। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है दो तरह का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है आपने देख लिया, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है आपने इससे भी देख लिया। चलिए अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ लिंकिंग वर्ब। देखिए लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया कहते हैं इसे, संयोजक क्रिया क्या होती है, संयोजक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्लियर, वह क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्लियर, तो लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया होगा, वह क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन, वह क्रिया जो नाउन या प्रोनाउन, ये वह क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव से
किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ती है। देखिए, नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो इस तरह से है, आपने देख लिया कि लिंकिंग वर्ब किसे कहा जाता है। वह क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्लियर? चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से इसे समझाता हूँ। जैसे सुनील इज एन एडवोकेट। सुनील इज एन एडवोकेट। देखिए, यह आपका लिंकिंग वर्ब है जो दो नाउन को जोड़ रहा है। क्लियर? चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ। आई एम अ टीचर। देखिए, आई एम अ टीचर, यहाँ पर देखिए आई एम जो है यह लिंकिंग वर्ब है। यह दो नाउन्स को, यह प्रोनाउन और नाउन को जोड़ रहा है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह वर्ब जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया का कार्य करता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर? यह समझ में आपके आ गया होगा। चलिए मुख्य लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। मुख्य लिंकिंग वर्ब निम्न प्रकार हैं। मुख्य लिंकिंग वर्ब देखिए मुख्य लिंकिंग वर्ब क्या है। मुख्य लिंकिंग वर्ब में इज आर एम वाज वर। इज आर एम वाज वर। देखिए, इज आर एम वाज वर बी बीन बिकम बीन बिकम। देखिए, तो मुख्य लिंकिंग वर्ब में इज आर एम वाज वर बी बीन बिकम या स्मेल लुक सिम इटीसी। स्मेल लुक स्मेल लुक सिम इटीसी। चलिए, तो इस तरह से जो है आपने इसे देख लिया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब में क्या क्या होता है। लिंकिंग वर्ब समझ गए आप कि जो लिंकिंग वर्ब है वह दो नाउन्स को या दो प्रोनाउन्स को या नाउन प्रोनाउन को नाउन एडजेक्टिव को इस तरह से जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात वह वर्ब जो वाक्य में मुख्य क्रिया का कार्य करता हो। इज आर एम वाज वर जब मुख्य क्रिया का कार्य करेगा तो उस कंडीशन में इसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और मुख्य रूप से लिंकिंग वर्ब क्या क्या है। मुख्य लिंकिंग वर्ब हैं इज आर एम वाज वर बी वाज वर, ऐसे कर लीजिए, देखिए मुख्य लिंकिंग वर्ब क्या क्या हैं। इज आर एम वाज वर बी बीन बिकम स्मेल लुक सिम, ये सभी के सभी जो है आपके
मुख्य लिंकिंग वर्ब हैं। इस तरह से है यह आपके समझ में आ गया होगा। ओके।